हेलो, मैं अमन मिश्रा, आप सभी का न्यू आकार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने रीजनिंग की एक श्रृंखला शुरू की थी जिसमें हम लगातार वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा रहे थे, जिसमें हमने आपको चार वीडियोज कोडिंग डिकोडिंग पे दिए हुए हैं। उन चारों में क्या नियम, कैसे, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, हर पे टॉपिक वाइज मैंने आपको टाइप वाइज एक एक टाइप पे आपका विधिवत प्रश्न बताया हुआ है कि किस टाइप पे कितने प्रश्न और कैसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर सभी टाइप पे अपना एक ओवरव्यू देख के उसके बाद किसी भी बुक को सॉल्व करते हैं तो आपको एवरी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे हो पाएंगे। हालांकि प्रयास आपको ही करना है, यहाँ पे हम चाहे 1000 क्वेश्चन ही क्यों ना करवा दें, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका दिमाग तभी स्ट्राइक करेगा जब आप खुद से प्रयासरत होंगे। तो आप कोई भी एक बुक, जैसे कि आप गणित पढ़ा करते हैं, तो गणित में आप क्या किया करते हैं, गणित में आप जो है वो कोई भी एक बुक उठाते हैं और उस बुक को हल करने का प्रयास करते हैं। तो वही सिलसिला इसमें भी है, आप कोई सी भी एक बुक उठाइए और उस बुक को कंप्लीट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप जो है वो रीजनिंग के किसी भी प्रश्न को हल कर पाने में सक्षम हो ही जाएंगे। जैसे आप मैथमेटिक्स में देख लें तो आर एस अग्रवाल फेमस बुक है, एच डी यादव है, ये जो भी किताब है, किरण है, कोई भी, आप एक बुक जब हल कर लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हमने गणित में कुछ काम किया है। रीजनिंग के साथ ऐसा है कि आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, लगता है रीजनिंग ही तो है, हो जाएगा, लेकिन परीक्षा में यही डिसाइडर हो जाता है और आपका टाइम ले लेता है या फिर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और जब आप रीजनिंग को छोड़ते हैं तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग लगभग लगभग बच्चे कर पाते हैं, और कर पाने का यही एक नतीजा होता है कि आप उस पर कितना समय दिए हैं, समय देना ही होगा। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग पे हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग पे आपसे तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला होगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, पहला लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हमने आपको बताया था, फिर हमने आपको बताया था नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, फिर हमने आपको बताया था कि मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। तो जैसे कि हमने दो टाइप कवरअप कर लिए हैं और तीसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिक्स्ड कोडिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे मिक्स्ड कोडिंग पे। हमने लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, हमने नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, अब हम पहुँच चुके हैं अपने मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पे। हमने आपको क्या बताया था, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको बताया था कि पहले आपको फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बाद मैं रिवर्स बताया था, उसके बाद क्रॉस पैटर्न बताया था, उसके बाद हमने आपको बताया था पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद कॉमन क्वेश्चंस बताया था, उसके बाद हम आपको बताए थे अपोजिट पैटर्न, और सारे क्वेश्चंस को हमने टाइप वाइज बांट के आपको हल कराए थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे प्रकार, जो कि ये हमारा टाइप थ्री होगा, तीसरा प्रकार है ये मिक्स्ड कोडिंग। और ये मिक्स्ड कोडिंग जो है, मिक्स्ड कोडिंग जो हमारा है, इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है या इसको ये कहा जाता है, तो फिर लास्ट में पूछता है कि इसको क्या कहा जाएगा। तो उस पर हम दो प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं, आइए समझते हैं कि हमने इसको क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे, तो फल किस पर फलेंगे, ये हमसे पूछा है कि फल किस पर फलेंगे। तो फल किस पर फलते हैं, पहले हमको ये बात पता होनी चाहिए, और हम मानते हैं कि ये बात आपको पता होगा कि फल किस पर फलते हैं। तो इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है कि कहा जाए, कहा जाए, एक में कहा जाता है कि इसमें कह रहा है जल को भोजन कहा जाए, और इस वाले प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि लाल मतलब पीला, ये होता है मीन्स वाला प्रश्न। अंग्रेजी में जब दिया जाएगा तो मीन्स लिखा रहेगा, और जब ये अंग्रेजी में दिया जाएगा तो इसमें कार्ड लिखा रहेगा। तो इसमें दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक मीन्स पे आधारित और एक होता है कार्ड प्रश्न। कार्ड मतलब होता है कि इसको क्या कहा जाए, और मीन्स मतलब होता है इसका अर्थ यह है, इसका मतलब यह है। तो हालांकि आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कर तो पाते हैं, लेकिन परीक्षा में इस पे आपका एक भी मिनट जाया ना हो तो हम ऐसी चीज़ बताएंगे कि आप डायरेक्ट अंतिम लाइन पढ़ेंगे और आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ लें, कह रहा है जल को भोजन कह रहा है, ठीक है, जल को यहाँ पे ये कह दिया भोजन,
इसको हम देख लिए। जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कह रहा है तो भोजन को वृक्ष कह दिया, ये भी ठीक है। और वृक्ष को आसमान कह रहा है और ये जो वृक्ष है इसको ये कह रहा है आसमान। और आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे? पहले तो हमको पता होना चाहिए कि फल किस पर फलते हैं। तो हमको पता है कि बराबर फल किस पर फलते हैं, पेड़ या वृक्ष, क्योंकि इसमें तो लिखा गया है वृक्ष। तो फल हमको पता है कि वृक्ष पर फलते हैं। तो हम इसमें देखेंगे जब भी कहा जाए से संबंधित प्रश्न होगा तो उत्तर हमेशा बाद वाला होता है। बाद वाला मतलब कि अब वृक्ष को क्या कहा जाता है वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि वृक्ष को आसमान कहा जाता है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, फल आसमान पर फलेंगे। यही हमारा आंसर है। तो फल किस पर फलेंगे? फल आसमान पर फलेंगे। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो फिर लास्ट में पूछता है कि इसको क्या कहा जाएगा। और दूसरा होता है मीन्स पर आधारित, इसका अर्थ यह है या इसका मतलब यह है। तो दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है। जब भी मतलब या मीन्स से संबंधित प्रश्न आए तो उत्तर हमेशा पहले वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो आसमान का रंग क्या होगा पूछा है। तो सर्वप्रथम पूरे प्रश्न को पढ़िए ही ना, डायरेक्ट पूछ रहा है कि तो आसमान का रंग क्या होगा। तो हम पहले देखेंगे कि आसमान का रंग होता क्या है एक्चुअल में। तो आसमान का रंग क्या होता है बताइए? आसमान का रंग होता है नीला। तो हमको पता है कि आसमान का रंग होता है नीला। और हम आपको बता रहे हैं कि जब भी मतलब से संबंधित प्रश्न आएगा तो उत्तर हमेशा पहला वाला होगा। तो हम देखेंगे कि किसको नीला कहा जा रहा है। तो यहां पे देखेंगे नीला यहां पे है और उत्तर पहले वाला होगा। तो इसके पहले क्या है? पीला। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आसमान का रंग पीला होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आप क्या समझ पाए? जब भी कहा जाए संबंधित प्रश्न होगा तो उत्तर हमेशा बाद वाला होता है, और जब भी मतलब से संबंधित प्रश्न होगा तो उत्तर हमेशा पहले वाला होता है। हम हटते हैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक नोट डाल के ये प्यारी सी बात आपको लिखवा देते हैं कि मतलब और कहा जाए संबंधित प्रश्न जब आएगा तो उन प्रश्न को आप कैसे एक्चुअल में कर पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक नोट डाल के आप इसको विधिवत ऐसे ही लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में मीन्स का अर्थ मतलब हो तो आंसर ठीक पहले वाला होगा, और अगर क्वेश्चन में कॉल्ड कहा जाए, मतलब अगर क्वेश्चन में कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाए से संबंधित प्रश्न हो तो उसमें आंसर ठीक बाद वाला होता है, या मीन्स का अर्थ मतलब के अलावा और कुछ भी हो। जो मीन्स का अर्थ है वो मतलब के अलावा और कुछ भी निकल रहा होगा तो हर स्थिति में आपका आंसर बाद वाला ही होगा। बाकी हर स्थिति में आपका आंसर क्या होगा? बाद वाला होगा। और यदि कॉल्ड कहा जाए या उसके अलावा कोई अर्थ निकले तो हमेशा उत्तर क्या होगा? पहले वाला होगा। और हमने उस पर दो प्रश्न आपको करवाए, आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, और उन प्रश्नों को अब आप ऐसे ही हल करेंगे। डायरेक्ट आप जाइए कि क्या पूछ रहा है और उसका एग्जैक्ट रंग क्या होता है। अगर मीन्स से संबंधित प्रश्न है तो पहले वाला उत्तर बता दीजिए, और यदि कहा जाए से संबंधित प्रश्न है तो आप बाद वाला उत्तर बता दीजिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं मिक्स्ड कोडिंग के नेक्स्ट टाइप पे कि अगला प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछ लेगा परीक्षा में। और आप आश्चर्यचकित ना हो, पहले से देखे रहें, इसके लिए हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो अगला प्रश्न जो मिक्स्ड कोडिंग में पूछा जाता है वो इस टाइप का पूछा जाता है जो कि आपको यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यदि क्वेश्चन है ये कि यदि 123 को कोड किया जाता है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी में, 356 को कोड किया जाता है बेरी हॉट डे में, 589 को कोड किया जाता है डे एंड नाइट में, तो हमको बताना है कि वेरी का कोड क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में बखूबी देखने को मिलता है, और अगर आप इसके बारे में नहीं जाने रहेंगे तो आप इसको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये कॉमन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, जैसे कि हर
तीनों में ये समीकरण एक है, दो है, तीन है, तीनों को दो तीनों समीकरण को आपस में मिला के हमको उसका उत्तर बताना होता है। चूंकि हमको इस प्रश्न में कोड किसका बताना है, हम देखेंगे कि वेरी का, और फिर हम देखेंगे कि वेरी कौन से समीकरण में आता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वेरी दूसरे समीकरण में अवेलेबल है, वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन। हालांकि हिंदी उन्दी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है उसी के अनुसार आपको उत्तर बताना है। तो वेरी हॉट डे, तो वेरी हमको बताना है और वेरी हमको इसमें दिख रहा है, और इसके लिए कोड जो है वेरी जिस समीकरण में है उसमें या तो तीन होगा, या तो पाँच होगा, या तो छः होगा, क्योंकि इनका कोड जो है वेरी हॉट डे तीनों अक्षर के लिए जो कोड है तीन पाँच छः है। तो वेरी का उत्तर या तो तीन होगा, या तो पाँच होगा, या तो छः होगा। लेकिन अभी हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसमें से उत्तर क्या होगा। तो पहले हम यदि पहले और दूसरे समीकरण को देखें, इन दोनों को, और अगर इन दोनों को हम देखें तो क्या हम किसी का कोड बता सकते हैं। इसमें हम देखें तो तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है। अगर दो चीज़ कॉमन है तो दो अक्षर इसमें भी जो अगर कॉमन होगा वो तीन का कोड हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई यहाँ पे वर्ड है जो कि दो बार आया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है जो दो बार आया हुआ था, जो लेटर यहाँ पे जो वर्ड होगा अगर वो दो बार आया होगा तो वो उसी के लिए कोड होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हॉट यहाँ भी है और हॉट यहाँ भी है, यानी कि तीन के लिए जो कोड हो गया वो हो गया हॉट। अब हम यहाँ पे एक वर्ड को तो एलिमिनेट कर चुके हैं, अब वेरी जो है बचा और डे बचा। अब भी इसमें दो लेटर बचे हुए हैं लेकिन डे भी बचा हुआ है, तो डे बचा हुआ है तो हम एग्जैक्ट अभी भी नहीं बता सकते। अब वेरी का उत्तर या तो पाँच होगा या तो छः होगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट उत्तर बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं समीकरण दो और तीन में, क्योंकि अब इसमें कोई सा भी अक्षर या कोई सा भी वर्ड कॉमन नहीं बचा है। तो अब हम चलते हैं दो और तीन में। क्या दो और तीन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ध्यान से देखिए, इस पर दिख रहा है कुछ कॉमन? जी हाँ, यहाँ पर ये पाँच है और यहाँ भी ये पाँच है, पाँच उसमें भी है, पाँच उसमें भी है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो उसमें भी है और उसमें भी है, समीकरण दो में भी है, समीकरण तीन में भी है। तो हमको दिख रहा है एकदम अच्छी अच्छी निगाहों से हमको दिख रहा है कि डे इसमें भी है और डे इसमें भी है। तो हम पाँच का कोड क्या कर दिए, डे, डे को हम पाँच से कोड कर दिए। तो अब बचा क्या, छः। तो छः जो बचा है ये हमारा यही होगा वेरी का कोड। तो वेरी को हम किस वर्ड से या किस कोड से कोड करेंगे, तो वेरी बराबर हो जाएगा छः। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, छः। और इसमें हम अगर डे का पूछे तो डे को किस से कोड किए, डे को हम कोड किए हैं पाँच से। और अगर इसमें हॉट का पूछे तो हॉट को हम कोड किए हैं तीन से। कोई सा भी आपसे पूछ सकता है और सारे उत्तर आपके पास हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा फिर देखिएगा, फिर ना समझ में आए तो फिर थोड़ा सा और पीछे करिएगा फिर देखिएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है कि हमको बार बार दोहराना पड़े। जो बात मैंने बताया है एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक दो तीन का अर्थ था हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, और तीन पाँच छः का अर्थ था वेरी हॉट डे, और पाँच आठ नौ का अर्थ था डे एंड नाइट, और हमसे पूछा था कि वेरी का कोड क्या होगा। तो अब हमको देखेंगे कि जिस समीकरण में वेरी है उसमें कोड कौन कौन से हैं। तो वेरी हॉट डे के लिए कोड किया गया है तीन पाँच छः, यानी कि वेरी का जो कोड होगा वो तीन पाँच और छः में से कोई सी संख्या होगी। अब पहले हम तीन पाँच छः में देखेंगे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो समीकरण एक और दो से हम देखें कि तीन और तीन कॉमन है, तो हम तीन को एलिमिनेट कर सकते हैं इस आधार पे कि क्या समीकरण एक और दो में कोई वर्ड भी कॉमन है। तो हमने देखा कि हॉट कॉमन था, तो हॉट से हमने तीन को कोड कर दिया। अब हमारे पास बचे पांच और छह। अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, और हमको पता था कि वेरी के लिए हम या तो पांच लिखेंगे या तो छह लिखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट बात पता ना हो पाने से हम नहीं बता पा रहे थे कि हम क्या लिखेंगे। तो एग्जैक्ट बात पता करने के लिए हम गए समीकरण दो और तीन में, और समीकरण दो में और तीन को हम मिलाए तो हमको दिखा पांच कॉमन। पाँच को हमने त्रिभुज से डिनोट कर दिया, जिससे हमको पता चले कि हम पाँच को कॉमन किए हुए हैं। पाँच को कॉमन करने के बाद हमने देखा कि इसमें वर्ड कौन सा कॉमन हो सकता है, तो हमको दिखा कि डे कॉमन हो सकता है। और जब डे को हमने कॉमन किया तो हमको पाँच भी कॉमन हो गया, तीन भी कॉमन हो गया, और तीन ही अक्षर थे और तीन ही वर्ड थे। तो फिर हमको मिला क्या, एक
नंबर फ्री मिला और वही वहाँ पे वेरी फ्री मिला, तो वेरी के लिए वही नंबर कोड हो गया और बचा 6, तो वेरी के लिए कोड कर दिया गया 6। और प्रश्न में हमसे वेरी ही पूछा था, तो वेरी का कोड क्या हो गया 6। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। हम एक बार हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन दमदार आपको हम और बताते हैं, और उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग आपकी लगभग लगभग खत्म हो जाएगी, लगभग लगभग पूरी कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गई है। आप प्रैक्टिस करिएगा, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में आपको खूब सारा प्रश्न कराएंगे। ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, फिर भी हम काम भर का प्रश्न आपको करवा दे रहे हैं, तो एक बार इसको आप नोट करिए, फिर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगला प्यारा सा प्रश्न ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर, यहाँ पर कहा गया है कि 123 को कोड किया जाता है ब्राइट लिटिल बॉय में, 145 को टाल बिग बॉय में, और 637 को कोड किया जाता है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर में। तो हमको बताना है किसका ब्राइट की कोडिंग क्या होगी, ये हमको बताना है। तो ब्राइट हम देखेंगे कि कौन से समीकरण में मिल रहा है, तो ये पहला है, ये दूसरा समीकरण है, और ये तीसरा समीकरण है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्राइट पहले ही समीकरण में है और पहले के लिए कोडिंग दी गई है 1, 2, 3। तो अब हमको ये तो पता है कि ब्राइट के लिए या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा कोड, तो लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा इसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्या हम इसमें तीनों नंबर्स में से कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 को मिला के? तो जी हाँ, यहाँ भी एक कामन है और यहाँ भी एक कामन है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक इसमें वर्ड में क्या कामन है, तो वर्ड में बॉय यहाँ भी है, वर्ड में बॉय यहाँ भी है, यानी कि बॉय की जो कोडिंग हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अब भी हम ब्राइट के लिए 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, इस पे असमंजस बना हुआ है। तो अब हम 2 और 3 में से कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जी हाँ दिख रहा है, समीकरण 1 और 3 को मिलाएंगे हम, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 और 3 दोनों में कामन है नंबर्स की जगह पे। सांख्यिकीय मान जो है वो 2 और समीकरण 1 और 3 में मिला के 3 कामन दिख रहा है। तो क्या हम देखेंगे कोई वर्ड भी है जो समीकरण 1 और 3 में कामन है? तो हमको दिख रहा है कि लिटिल, लिटिल यहाँ भी है और लिटिल यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम अब 3 को भी एलिमिनेट कर दिए, 1 को भी एलिमिनेट कर दिए, तो बचा क्या 2। तो ये जो ब्राइट है इसका कोड क्या हो जाएगा, 2। तो इस प्रश्न का उत्तर बराबर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे अब आप कर पाएंगे, हम यह उम्मीद करते हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, अब आप इस पे प्रयास करिएगा, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और अब अगला टॉपिक हम कैलेंडर क्लॉक जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, और बहुत धुआंधार तरीके से बताएंगे। आप लगातार वीडियोज को देखते रहिए, अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, लेकिन केवल इतनी सी बातों से कुछ नहीं होगा। आप अपना नोट्स प्रिपेयर करने के बाद प्रैक्टिस खूब सारी करिए, एक टॉपिक पे कम से कम आप 200 प्रश्न तो लगाइए ही, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट मिला के आपको कम से कम 300, 350, 400 प्रश्न लगा डालिए, ताकि अब जीवन में दोबारा आपको ये चैप्टर्स तकलीफ ना दें। हमने अल्फाबेट डाला हुआ है, हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट डाला हुआ है, और छोटी छोटी वीडियोज़ हैं 20 मिनट 25 मिनट की, और सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हैं, फालतू बातें हम नहीं करते हैं, इसलिए 20-25 मिनट इनफ है। और उसी 25 मिनट को खींच के फालतू फालतू बात करके 1 घंटे हम आए यहाँ पे खड़े रहे, कोई मतलब का वीडियो नहीं होता है। आपको पढ़ने के लिए उसको 2 की स्पीड में करेंगे तो आपका एक वीडियो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है निपट जाएगा, और आप उसको देखेंगे तो आपको ढेर सारा बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, दमदार तरीके से पढ़िए। जय हिंद।